नाज़रीन, आज मैं राइस ट्रेडर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ज़हूर अहमद के साथ मौजूद हूँ। हमजा राइस ट्रेडर के नाम से काम कर रहे हैं। ये जोड़े पुल पे हमारा वेयर हाउस है, पूरे लाहौर में सप्लाई देते हैं। 2010 में शुरू किया था, अब 2023 है, 13 साल हो गए हैं। ये आपको कैसे पता चलता है कि हम इतना इजनास अगर करेंगे तो इतना हमें प्रॉफिट होगा, इतना लॉस होगा? प्रॉफिट लॉस वाला मामला ये तो अल्लाह के हाथ में। किसी भी फील्ड में मेहनत करनी होती है, वो कोई भी हो, कारोबार को सेटल करने में आपको किन किन मुश्किल का सामना करना पड़ता है? जब आप जीरो से स्टार्ट करते हैं तो आपको मुश्किल तो पेश आती है। केपीके का इलाका है ना, वहाँ पे ठंड होती है, उधर हम सप्लाई देते हैं सेले की। लाहौर वाले ना और गुजरात वाले ये चावल बहुत अच्छे पसंद करते हैं, जो खुशबूदार होते हैं। अफगानिस्तान में भी चावल जाते हैं। हमारा जैसा ज़रई मुल्क है, हमारा नहरी निज़ाम बहुत अच्छा है, फसलें बहुत अच्छी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हुस्ना खान, आप देख रहे हैं HIT। नाज़रीन, आज मैं राइस ट्रेडर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ज़हूर अहमद के साथ मौजूद हूँ। आइए नाज़रीन इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। किस किस शोबे में अपनी सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं? ये हम तो सिर्फ राइस में करते हैं ना, मतलब लोगों के ये घर के खाने की एक अहम चीज है, हम तो इसी पे वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, अमली जिंदगी का आगाज आपने कब किया और कितना अरसा हो गया? 2010 से मैंने मैट्रिक के बाद मैंने वो FSC की, उसके बाद फिर मैं फील्ड में आ गया। शुरू से मैं मुझे इंटरेस्ट था बिजनेस में, तो राइस का मुझे बिजनेस बहुत अच्छा लगा, तो मैंने फिर इस पे वर्किंग की और अल्लाह का शुक्र है। आज कारोबार को सेटल करने में आपको किन किन मुश्किल का सामना करना पड़ता है? जब आप जीरो से स्टार्ट करते हैं तो आपको मुश्किल तो पेश आती है ना बहुत ज्यादा, तो उसके बाद आपको फिर उसका सिला भी मिलता है, लेकिन टाइम बंदे को लगता है स्टार्ट करने से। कितना अरसा लगा इस बिजनेस को सेट करने में? 2010 में शुरू किया था, अब 2023 है, 13 साल हो गए हैं, अभी भी मतलब देखें सीख ही रहे हैं। हर चीज मुकम्मल तो नहीं होती, वो तो जिंदगी के साथ साथ चलता रहता है ना, बंदा सीखता रहता है। ये आपको कैसे पता चलता है कि हम इतना इजनास अगर करेंगे तो इतना हमें प्रॉफिट होगा, इतना लॉस होगा, इसका फैसला कैसे करते हैं? ये तो सारी ये प्रॉफिट लॉस वाला मामला ये तो अल्लाह के हाथ में है ना। आपने तो किसी भी फील्ड में मेहनत करनी होती है, वो कोई भी हो, वो आप इंजीनियरिंग में कर लें, वो मतलब आप डॉक्टर बन जाए, जो भी आप करें जिंदगी का, आपका जो भी शोभा हो उसमें आपने तो मेहनत करनी होती है, बाकी तो वो उसका जो सिला है ना वो अल्लाह ने आपको अच्छा देना होता है। आपकी इनकम कितनी और बचत कितनी हो जाती है? ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछा, ये इधर बताने वाला तो नहीं है, वरना नया भी आ जाएगा हमें पकड़ने। मशीयत के हवाले से हुकूमती पॉलिसियों से आप किस हद तक मुतमईन हैं? हम तो ये कहते हैं कि ये जो हमारे मुल्क का राज चल रहे हैं ना, तो इनको चाहिए कि ये ना लोगों को बहुत अच्छी सब्सिडी दें, जिम्मेदार खुशहाल होगा तो उसके बाद ट्रेडर खुशहाल होगा, फिर फैक्ट्री वाला, ये सारा चेन चलता है। एक भी डिस्टर्ब होना इस सब में से तो सारा निज़ाम वो टेंशन में रहता है, उसको आप मैनेज करने की कोशिश तो करते हैं, अब जो आता है उसकी अपनी पॉलिसी होती है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि ये जो अभी घूमते गई हैं या जो आ रही हैं ना, वो इस पे फोकस करेंगी बाकी शोबों की तरह। ये अच्छा डॉलर इसकी वजह से आते हैं, एक्सपोर्ट होती है, थोड़ी रीढ़ की हैसियत रखते हैं राइस ना पाकिस्तान की। आपकी राइस की क्वालिटी कैसी है और आप किन किन इलाकों में अपने राइस सप्लाई करते हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत अच्छी क्वालिटी ना, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी चावल थे ना, हमने सबसे पहले उसको लोकल बेचना शुरू किया। उसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो हमारा जो KPK का इलाका है ना, वहाँ पे ठंड होती है, मौसम ठंडा होता है, तो वहाँ पे ये जो नॉर्मल चावल होते थे ना वो नहीं मतलब बनते नहीं, तो उधर हम सप्लाई देते हैं सेले की। सेला चावल हमारा बहुत अच्छा होता है, वो KPK में स्वाद मर्दान स्वाबी वगैरह में, उसके बाद बटखेला और ये दीर इलाके जो हैं वहाँ पे जा रहे हैं सारे। उसके अलावा जो मेन अड्डा ना ये पिंडी इस्लामाबाद और लाहौर, लाहौर में भी बहुत खपत है चावल की, लेकिन लाहौर वाले ना और गुजरात वाले ये चावल बहुत अच्छे पसंद करते हैं, जो खुशबूदार होते हैं, स्टीम 11-21 वगैरह, तो पिंडी में भी बहुत चलती है। पिंडी से फिर अगला जो एरिया है मुजफ्फराबाद, तो आज़ाद कश्मीर वगैरह में बहुत ज़्यादा अच्छे चावल पाकिस्तान में खाए जाते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान से बाहर अफगानिस्तान में भी चावल जाते हैं, उधर भी पाकिस्तान का सेला ही जाता है। जाहिर बात है मुल्क ज़रई मुल्क है, तो चावल तो बहुत अच्छे होते हैं, जहाँ पे वो मतलब ज़रूरत हो हम अपने आप को मतलब वो सेल करने की कोशिश करके अवेलेबिलिटी करते हैं। और उसके अलावा हम एक्सपोर्ट में भी कोशिश कर रहे हैं,
कि लोगों के साथ ज़्यादा मतलब कंपटीशन ना हो और हमारी कोई डिफरेंट चीज़ ना, वो हम ऐसी पेश करें कि वो हमारा बाहर भी जो अच्छा ब्रांड चले पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क में ज़रई इजनास रोज़ बरोज़ महंगी होती जा रही है, तो पैदावारी लागत को कम करने का आपकी नज़र में क्या तरीका है? मैं तो इसको समझता हूँ कि ये तो ना हमारी हुकूमत की नाअहली है कि वो उस पर तवज्जो नहीं देती ना। हमारा जैसे ज़रई मुल्क है, हमारा नहरी निज़ाम बहुत अच्छा है, हमारी फसलें बहुत अच्छी होती हैं, तो हमें उस तरह का गेन हासिल नहीं होता। हमसे जो लोग ले रहे हैं, राइस एक्सपोर्ट हो रहे हैं हमारे, तो हमारे प्राइस, हमारे जो लागत है ना, वही इतनी ज़्यादा कि हम कंपटीशन नहीं कर सकते दुनिया के साथ ना। तो कभी हमसे ज़्यादा मतलब और अदर कंट्रीज जैसे इंडिया है वो ले जाता है आर्डर काफ़ी ज़्यादा। ये पिछले 2 साल पाकिस्तान को आर्डर मिल रहे हैं, अच्छी वर्किंग हो रही है अभी। एक्सपोर्ट का हजम कैसे बढ़ाया जा सकता है? एक्सपोर्ट का हजम ऐसे ही बढ़ा सकता है कि ये हुकूमत इस चीज़ों पे तवज्जो दे और हुकूमत अवेयरनेस पैदा करे लोगों के अंदर, और जो बीज हैं इनकी क्वालिटी को कंट्रोल करने वाले हमारे अदारे हैं पाकिस्तान में, उस पर फोकस करें। जो चीज़ हमें ज़्यादा पैदावार देती है, जैसे चाइना में मतलब हाइब्रिड चीज़ें बनी हैं, तो इस तरह इसमें भी चावलों में भी इस तरह चीज़ें मतलब आप वर्किंग करके अच्छे कर सकते हैं ना। हमारी सबसे जो बेहतरीन मेन चीज़ है वो सुपर कर्नल थी, तो आप उसके अलावा जो नया बीज आया वो 11-21 उसको काफ़ी देर हो गई है, तो हमारी उसमें भी एरोमेटिक खुशबू आना शुरू हो गई है। तो हमारी मिट्टी में अल्लाह ने ये खूबी रखी है कि ये इस जैसे चावल ना पूरी दुनिया में नहीं होते, तो नए बीज को दरियाफ्त करना चाहिए। जैसे बाकी चीज़ों में जद्दत आ रही है, तो इस चीज़ों में भी ना हुकूमत को चाहिए कि वो फोकस करे। पाकिस्तानी चावल काफ़ी मुल्कों में पसंद किए जाते हैं, इसकी क्या वजह है? इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, खुशबू आती है। टैक्सेस की भरमार से कारोबारी तबका किस हद तक मुतासिर है? देखिए जी, टैक्सेस से कारोबारी तबका अकेला थोड़ा परेशान है, सभी परेशान है। गरीब जो बंदा है मजदूरी करता है वो भी इससे परेशान है, अमीर भी परेशान है बिजली से, गैस से, पानी के बिलों से। ये कारोबारी तबका अकेला डिस्टर्ब होना तो चलो वो सर्वाइव भी कर जाए, ये तो हर बंदा ही परेशान हो गया है ना। बात तो ये है, चलो बाकी तो ठीक हो जाए, ये तो एक बर्दाश्त कर लेता है कारोबारी बंदा, तजारत करता है, अल्लाह पाक उसको कहीं ना कहीं से मतलब कर लेता है। अब जो गरीब बंदा वो टैक्स कहाँ से दे, मुसीबत तो ये है कि उस पर भी टैक्स की भरमार हो चुकी है। मईशियत की बेहतरी और बहाली के लिए क्या तजवीज़ देना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि ये मईशत की बहाली में पाकिस्तान में अल्लाह ने हर चीज़ बहुत ज़्यादा अपना फजल किया हुआ, बेहतरीन चीज़ें मुहैया है, बस हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। जैसे कि पिछले दिनों आइडिया चला था कि मोटरवे के साइडों पे ना दरख्त लगाए जाएं फलों वाले, बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन हुकूमत तो वो जो चीज़ अच्छी होती है उस पर तवज्जो देती नहीं, पता नहीं उनका कि ये बात ही नहीं पहुँचती ना। तो बस मेरी है कि इस पे फोकस करें तो कमी किसी चीज़ की नहीं है इधर। लास्ट में आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं जो आपकी तरह बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? मैं तो यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जिंदगी का हिस्सा है, ये बंदे को मेहनत करनी चाहिए किसी भी फील्ड में, और पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए। जो भी बंदा काम जिस फील्ड में भी करे, ईमानदारी से चलेगा तो उसको जरूर अपनी जिंदगी में ही उसका वो सिला मिलेगा। ये बात झूठ है कि बंदा मेहनत करे और उसको कुछ ना मिले। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने राइस ट्रेडर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ज़हूर अहमद से बात की, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।